हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस हजारीबाग में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग चेक पॉइंट 16.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समझने का कोशिश करेंगे। दिया हुआ द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस, फेंस का मतलब यहाँ पे होता है घेरना है, घेरना घेरना मतलब चारों तरफ से उसको क्या कर देना है, घेर देना है, ताकि उसमें कोई जा ना सके, जानवर उनवर या कोई आदमी ना जा सके, इसलिए उसको क्या कर रहा है, घेर रहा है। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस ऑल अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ रुपीज 30 पर मीटर, मतलब एक मीटर को घेरने में, स्क्वायर फील्ड है, फील्ड जो है इस क्वेश्चन में, फील्ड जो है वो स्क्वायर है, कैसा है, स्क्वायर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड है, तो हम लोग को पता है कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह का स्क्वायर फील्ड है और इसको चारों तरफ घेरना है। ठीक, और घेरने का कॉस्ट कितना जा रहा है, कैसे, इसका कॉस्ट कितना, एक मीटर का कॉस्ट 30 रुपया है, तो इस तरह से टोटल 12,000 रुपया लगता है। मतलब इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक ये पूरा पूरा इसको यहाँ से शुरू करेंगे फिर यहाँ लाएंगे, तो इसको घेरने में 12,000 रुपया लगता है। ठीक है, और एक मीटर का कितना है, 30 रुपया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है, ये इसका एरिया क्या होगा, मतलब ये रेड वाला जो पार्ट हम दिखा रहे हैं इसका एरिया क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको घेरने में लग रहा है 12,000 रुपया 30 रुपये के अनुसार से, एक मीटर का अगर 30 रुपया अगर रहेगा तो उस तरह से 12,000 लग रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो भैया एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, देखो एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, इसके लिए बताए थे साइड इनटू साइड होता है। ठीक, साइड इनटू साइड, तो जब तक साइड नहीं मालूम रहेगा क्या हम लोग इसका एरिया निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, सो देखिए दिया हुआ द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस ऑल अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ रुपीज 30 पर मीटर इज इतना, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए हमारा रेट कितना है, रेट जो हमारा है वो है, रेट हमारा है रुपीज 30 पर मीटर रेट। ठीक, और टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है, टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है, तो टोटल कॉस्ट है 12,000 रुपया। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक इसको घेरने में 12,000 रुपया लगता है और एक मीटर को घेरने में 30 रुपया लगता है, तो ये हम कितना लेंथ है पहले यो इसको निकाल लेंगे, तो लेंथ कैसे निकलेगा, तो टोटल 12,000 लग रहा है और एक मीटर का 30 लग रहा है, तो 12,000 को 30 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड कितना हो जाएगा, बोलिए, तो ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 30 से, टोटल कॉस्ट था 12,000, यहाँ से यहाँ तक 12, ये पूरा हमको लंबाई निकालना है, तो पूरा यहाँ तक यहाँ में इसको घेरने में 12,000 लगता है और एक मीटर को कितना लग रहा है, 30 रुपया, तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0 खत्म, 3 4 12 मतलब 400 मीटर आ गया, मतलब ये पूरा लंबाई हमारा 400 मीटर आ गया। ठीक, तो अगर पूरा लंबाई 400 मीटर आ गया मतलब ये 100 100 100 100 100 होगा क्योंकि सब तो बराबर बराबर होता है। अब इसलिए अगर हम साइड निकालें, देयरफॉर साइड अगर निकालते हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड तो कितना हो जाएगा, तो इधर हमारा कितना था 400, तो 400 है और उसको 4 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ गया। ठीक है, मतलब हमारा आ गया साइड जो आ गया हमारा 100 मीटर आ गया। ठीक, अब देयरफॉर एरिया निकालना, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू साइड इनटू साइड, मतलब 100 × 100, तो ये होगा 10000 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ठीक, और इसके बाद का वीडियो के लिए
हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है? तब तक घर में रहें और सुरक्षित रहें।